हाँ, कह रहे हैं दो ग्रुप जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉरपोरेशन के लिए कंपीट कर रही है। अब उस कंपटीशन को फर्स्ट ग्रुप जो है जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6। उस कंपटीशन को सेकेंड ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4। अब अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो उसके बाद वो एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.7। वहीं पे अगर सेकेंड ग्रुप उस कॉम्पिटिशन को जीतता है तो उसके बाद वो एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3। अब प्रोबेबिलिटी बताया कि एक न्यू प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप, ये हमें फाइंड करना है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज, हो सकता है उस कॉम्पिटिशन को फर्स्ट ग्रुप जीते, हो सकता है सेकेंड ग्रुप जीते। तो यहाँ पे दो इवेंट बना लेते हैं। तो लेट E1 एंड E2 बी द टू इवेंट। E1 इवेंट अगर मान ले फर्स्ट ग्रुप जो है वो जीत जाएगा, फर्स्ट ग्रुप विल विन। और E2 इवेंट अगर मान ले कि सेकेंड ग्रुप जीतेगा कॉम्पिटिशन को, तो सेकेंड ग्रुप विल विन। और यहाँ पे एक और इवेंट बना लीजिए कि अ न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इसको हम मान लेते हैं ए, अ न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ये क्लियर। अब उस कॉम्पिटिशन को फर्स्ट ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो PE1 ये दी हुई है 0.6। अब उस कॉम्पिटिशन को सेकेंड ग्रुप जीतेगा तो PE2, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4। ये क्लियर। अब अगर उस कॉम्पिटिशन को फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो उसके बाद वो एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, तो PA आफ्टर E1 ये दी हुई है 0.7। अब उस कॉम्पिटिशन को सेकेंड ग्रुप जीतता है और उसके बाद वो एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3। ये क्लियर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां पे हमें बेस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप कब उसको इंट्रोड्यूस करेगा, जब वो जीतेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आफ्टर ए ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इवेंट ये कब होगा, जब सेकेंड ग्रुप उस कॉम्पिटिशन को जीते और उसके बाद वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे। ये क्लियर। ओवरऑल पॉसिबिलिटीज यानी कि सैंपल स्पेस ये बनता है कि हो सकता है उस कॉम्पिटिशन को ग्रुप 1 जीते, फर्स्ट ग्रुप जीते, उसके बाद वो जो है उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे न्यू प्रोडक्ट को, और प्लस सेकेंड ग्रुप जीते और उसके बाद वो जो है एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे। ये क्लियर। तो ये बन जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो PE2 0.4, PA आफ्टर E2 0.3, PE1 0.6, PA आफ्टर E1 0.7 प्लस PE2 0.4, PA आफ्टर E2 0.3। ये क्लियर। तो ये बन गया 4 × 3 12 अपॉन 42 प्लस 12 54। अब अगर हम इन दोनों टर्म को 6 से कैंसिल कर दें तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 9। तो 2 अपॉन 9 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी।